और हम इसलिए घूम रहे और देख रहे हैं कि जो हुआ वो तो ठीक है, आगे और क्या करना चाहिए। सारी चीज़ों को देखा जा रहा है कि कहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, जहाँ कमी होगी उसको हम लोग जो है दूर करने का काम करेंगे। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने समाधान यात्रा पर हैं और ऐसे में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छपरा पहुंचे। छपरा के दरियापुर प्रखंड के माटिहान पहुंचे, जहां उनके साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि इस दौरान दोनों नेताओं ने तमाम चीज़ों का निरीक्षण किया, लोगों से बातचीत की। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है वो आप सुने। एक-एक लोगों की बात सुन सर, हस्तशिल्प के अलावा पशुपालन में भी लोग, महिलाएं जो सबल हो रही है, बता रहे हैं हर तरह के काम में लगी है। और आप समझ लीजिए, जिनको जो काम ठीक लगता है, उचित लगता है कि कौन सा काम करें, उस काम से जुड़ी है और अच्छा लगता है। और यही नहीं, अपने गांव में अब सब अगल बगल के बच्चे बच्चियों को भी ठीक ढंग से इनके चलते हैं। आप उधर देखे ना, कितना बढ़िया हुआ। एगो का कम उम्र में शादी हो रहा था तो कैसे रुक गया, अब लड़की खड़ी थी ना वहाँ। सर मुख्यमंत्री की जो योजना, इस तरह की अब जागृति आ रही है, अवेयरनेस आएगा तो कितना अच्छा होगा। बोलिए सर, जूता वाला जो काम है, अनुसूचित जाति मुख्यमंत्री जो योजना प्रोत्साहन जो फंड मिला है, उससे बहुत सुंदर विकास हो रहा है। एक सर फैक्ट्री भी सर यहाँ पे गांव में लगा है। हम लोग तो सब जगह कर ही रहे हैं ना, सहयोग और मदद, और चाहते ही है, इसलिए तो देखने आए हैं। और हम इसलिए घूम रहे और देख रहे हैं कि जो हुआ वो तो ठीक है, आगे और क्या करना चाहिए ताकि इन लोगों को और ज्यादा बढ़ावा मिले और खूब आगे बढ़े। कितनी ठंड में उत्साह जो है, बहुत हम घूम रहे हैं, बहुत उत्साह है ताकि लोग को बात सुनते हैं। तो हम इसी के लिए आए, इसलिए सबसे परामर्श ही ना करते हैं, सबका सुन रहे हैं और सबका जान रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ किसको दिक्कत है। तो हमारी यात्रा इसी के लिए है कि जो काम किया गया उसकी क्या स्थिति है और कहाँ क्या कमी है उसको जानने के लिए आए हैं। इसलिए भी सुन रहे थे तो जो भी बोली है, डीएम साहब वहाँ पर जाएंगे और सब लोग की समस्या को देख करके उसके बारे में जो करना है वो करेंगे, और जो भी चीज सब जगह से रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर सरकार निर्णय भी लेगी कि हम लोग इनको आगे बढ़ाने के लिए जो करने की जरूरत है वो करेंगे। यही हम लोगों का मकसद है। तो आपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुना, अब आप डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को सुनिए कि उनका इस विषय में क्या कुछ कहना है। स्तर पर आकर के देखा जा रहा है ना, और जमीनी स्तर पर इसलिए आकर के सारी चीज़ों को देखा जा रहा है कि कहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, जहाँ कमी होगी उसको हम लोग जो है दूर करने का काम करेंगे। तो आपने डिप्टी सीएम को भी सुना, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि तमाम चीज़ों का निरीक्षण किया जा रहा है, जो कमी है, जो उन कार्यों को चलाया जा रहा है, जो सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं लोगों के हित के लिए, उसमें अगर कोई कमी पाई गई है तो उसको सुधारा जाए, इसके लिए बेहतर तरीके से और आगे कार्य किया जाए, इसके लिए तमाम चीज़ों का निरीक्षण करके लोगों को निर्देश दिया गया है। जो तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद थे उनको निर्देश दिया गया है कि जो बचे हुए कार्य हैं और जो कार्य में नहीं हो पाई है उसमें फुर्ती लाया जाए, उसमें तेजी लाया जाए, ताकि जो काम है वो समय पर पूरा हो सके। तो ऐसे में फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।